आजमगढ़ के गर्ल्स कॉलेज में संदिग्ध छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के बाद जहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लामबंद हो गया है, वहीं छात्रा की मौत पर पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस मामले का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 8 जुलाई को यूपी में निजी स्कूल बंद रहे। इस मामले में अब नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि छात्रा ने प्रताड़ना से तंग आकर स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट लगने से मौत की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस केस की जांच कर रही है। घटना 31 जुलाई की है, जब स्कूल में चेकिंग के दौरान 11वीं की छात्रा के बैग से मोबाइल मिला था। बताया जा रहा है कि स्कूल में मोबाइल लाने पर छात्रा को काफी डांट फटकार लगाई गई थी। इसके कुछ दिन बाद प्रिंसिपल के सामने उसकी पेशी हुई। उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर काफी देर तक खड़ा रखा गया। छात्रा के माँ बाप को फोन किया गया, लेकिन उन्हें आने में कुछ देर हो गई। इसी दौरान प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी छात्रा अचानक से सीढ़ियों के जरिए तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ी और पलक झपकते ही वहाँ से कूद गयी। इस घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा के माता पिता जब स्कूल पहुँचे तो उन्हें अपनी बेटी की मौत की जानकारी मिली। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन कर स्कूल बुलाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुँच गए। छात्रा के माता पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल सोना मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दोनों का ही कहना है कि वो बेकसूर है, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। दोनों पर हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।